बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में ग्रीन फंगस का केस मिला है। अहम खबर, मरीज को इलाज के लिए भेजा गया मुंबई। ब्लैक फंगस के भी 16 नए केस हैं। इंदौर में ग्रीन फंगस का केस मिला है, मरीज को इलाज के लिए मुंबई भेज दिया गया है। आपको बता दें ब्लैक फंगस के भी 16 केसेस हैं, लेकिन ये अहम खबर, एक ग्रीन फंगस का केस भी मिला है जिसको मुंबई इलाज के लिए आगे भेज दिया गया है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपके सामने, ब्लैक फंगस के भी 16 केसेस हैं, लेकिन एक ग्रीन फंगस का नया केस मिला है जिसके इलाज के लिए मुंबई भेज दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इत्याब शेख, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इत्याब, ये भी एक बहुत अहम खबर है और बहुत ही डराने वाली, क्योंकि अभी तक हम कोरोना से लड़ रहे थे, फिर उसके बाद हम ब्लैक फंगस से लड़ने लगे और अब ये ग्रीन फंगस। भारती, निश्चित ही बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जहां तक बात की जाती है इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर वॉज द मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड सिटीज इन मध्य प्रदेश, जिसमें कि सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स रहे हैं, कोरोना की मार झेली है। वहीं ब्लैक फंगस की अगर हम बात करते हैं, ब्लैक फंगस में भी सीधे तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है एक महामारी है। देश के अंदर कई सारे केसेज आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ब्लैक फंगस के इंदौर के अंदर 500 एक्टिव केसेज हैं, विच इज अ बिग फिगर, बहुत बड़ा आंकड़ा है 500 पॉजिटिव पेशेंट्स के होने का। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चीज सामने आती है कि ब्लैक फंगस चूंकि एक महामारी हो चुकी है, उसके अंदर वेरिएंट्स आ रहे हैं। हमने व्हाइट फंगस के बारे में सुना, अब ये ग्रीन फंगस के बारे में सुन रहे हैं, जिसका इलाज करने के लिए पेशेंट को, एक पेशेंट पॉजिटिव सामने आया था जिसको कि मुंबई भेजा गया। टोटल 16 पॉजिटिव पेशेंट्स कल ब्लैक फंगस के इंदौर के अंदर रजिस्टर किए गए। ये निजी अस्पताल में ग्रीन फंगस का जो पेशेंट था वो वहां था, उसको मुंबई भेजा गया है। निश्चित रूप से ये बड़ा, ये कहा जाए कि पैंडेमिक माना जा सकता है, क्योंकि महामारी इसको पहले ही घोषित की जा चुकी है कि ब्लैक फंगस एक महामारी के रूप में फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोरोना की मार ऊपर से ब्लैक फंगस की मार, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुश्वारियां हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही है। खासतौर पे इंदौर की अगर हम बात करते हैं, तो इंदौर में कोरोना की भी महामारी हमने देखी, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स इंदौर के अंदर देखे, और अब ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस के पेशेंट्स, और अब ये ग्रीन फंगस, तो डेफिनेटली इट इज अ बिग चैलेंज, जिसको कि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त के अंदर इसका किस तरीके से इलाज होता है और किस तरीके से इसको कर्टेन किया जाता है। जी इत्याब, ऐसे में क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं और किस तरीके से हमें उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ब्लैक फंगस के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन ग्रीन फंगस क्योंकि ये बहुत नया है और एकदम से अभी हम जो है वो इसके बारे में सुन रहे हैं, तो अगर आप कुछ थोड़ा बहुत डिटेल दे पाएं इसके बारे में हमारे दर्शकों को, तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा दर्शकों के लिए। देखिए भारती, जहां तक बात की जाती है ब्लैक फंगस की, तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि इसके जो सिम्टम्स थे, इट वाज बहुत सारे सिम्टम्स सामने आते हैं, आंखों के पास में काला हो जाना, नाक के पास में रैशेस आ जाना ब्लैक कलर के, यहां तक कि ये देखा गया था कि आंख के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ग्रीन फंगस का जो वेरियंट है, मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई, अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ मैं इसमें कह नहीं पाऊंगा कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, बट ये बताया जा रहा है कि इसी से मिलते जुलते लक्षण होते हैं, जिसके कारण ये कहा जाए कि उसका एक अलग वेरियंट होता है, उसका अलग सो कॉल्ड लाइन ऑफ अटैक होती है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर कि अभी भी बहुत सारी खुलासे होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अहम बात आपने उठाई है, कि ये कहा जा रहा था कि कोविड पेशेंट्स को ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं रहा है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी सामने आए जिसमें कि नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ब्लैक फंगस का कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से ग्रीन फंगस भी कहा जा सकता है, इट इज समवॉट लाइक ब्लैक फंगस ही है, लेकिन जो एहतियात रखने की जरूरत है वो रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में अपनी जिंदगी को बचाना, अपने परिवार को बचाना, साथ ही साथ अपने शहर को बचाना, प्रोटोकॉल्स का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेन आते जा रहे हैं, जिस तरीके से नई नई बीमारियां सामने आ रही है, कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होता जा रहा है कि नए नए स्ट्रेन को टैकल करना है, उनके ऊपर कौन सी दवाइयां काम करेगी, कौन सी दवाइयों से ठीक होंगे। तो निश्चित रूप से ये
बड़ा चैलेंज है, इसमें सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है आपको और हमको है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात, और अपने आप में जैसे ग्रीन फंगस का ये जो नया केस आया है, इसके तुरंत बाद इस केस को जो है वो मुंबई रेफर कर दिया गया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में जो इस टाइम पर जो हमारी हेल्थ व्यवस्था है वो किस तरीके से जो है वो डील कर रहे हैं कोरोना से, ब्लैक फंगस से। हालांकि अभी एक केस आया, उसको मुंबई भेज दिया गया, लेकिन भगवान ना करे अगर ये केसेस बढ़ते हैं, अगर चीजें और ज्यादा खराब होती हैं, तो फिर उसके बाद और ज्यादा प्रेशर जो है वो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर पड़ जाएगा। डेफिनेटली भारती, ये निश्चित रूप से होना है। ये निश्चित रूप से इसलिए भी होना है क्योंकि कोरोना के वक्त भी हमने देखा था कि शुरुआती दौर के अंदर ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी वो फ्रेटर्निटी है, हमारे साइंटिस्ट कितने ज़्यादा केपेबल है कि आज हमने वैक्सीन हमारी तरफ से बना के हमारा स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भेजा। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस जिसमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और मेडिकल स्टाफ कह ले या मेडिकल फ्रेटर्निटी कह ले या साइंटिस्ट की बात कहीं ना कहीं तोड़ मिलता हुआ नजर आता है। तो एक ऑप्टिमिज्म की भी बात होती है कि निश्चित रूप से ठीक है, तकलीफ है, दिक्कत है, कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्पेशली हेल्थ वर्कर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स को भी ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, लेकिन अब ऐसे कोई हालात नजर नहीं आते। पॉजिटिविटी की अगर हम बात करते हैं, ऑप्टिमिज्म की अगर हम बात करते हैं, सकारात्मक सोच की अगर हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से लड़ा जा सकता है और इन बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से आपने भी बताया कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हर कोई जो है वो हर दिन सीख रहा है, इसी में ही हम लोगों को भी हर दिन सीखना है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी